जय श्री हरि विष्णु। पुराने धर्मशास्त्र में दासत गाने या नमूने या यह शौनक मीमांसा आयुर्वेदा अर्थशास्त्र कम अर्थात पुराण धर्मशास्त्र चारों वेद शिक्षा कल बाद छह वेदांग न्याय मीमांसा आयुर्वेद अर्थशास्त्र गंधर्व शास्त्र तथा धनुर्वेद शास्त्र यह 18 विद्याएं हैं जिनका ज्ञान और जानकर मनुष्य सर्वज्ञानी हो जाता है। आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी पौराणिक कथाएं पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित श्री गुरु हमें ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी प्रस्तुति में हम आपको मृतक के अंतिम संस्कार के बाद पुरुष परिजनों के द्वारा सिर मुंडन क्रिया अर्थात बाल काटने के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में हमारे हिंदू धर्म में जन्म विवाह और मृत्यु इन सभी संस्कारों का अति विशेष महत्व है और हमारा सनातन धर्म पुनर्जन्म में भी अटूट विश्वास रखता है। इसीलिए मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाने के लिए कई कर्मकांड भी किए जाते हैं। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो मृतक के परिजन अपने सिर के बालों को कटवा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का धार्मिक अथवा सामाजिक कारण क्या है और ऐसा क्यों किया जाता है? हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो मृत्यु जैसे जटिल विषय पर भी बहुत ही गहराई से प्रकाश डालता है। इस पुराण में आत्मा के परलोक गमन पर बहुत ही विस्तृत व्याख्या मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी और नियम से किए गए कार्यों से ही जीव आत्मा को सद्गति की प्राप्ति होती है, अन्यथा कुकर्मों से बहस बताइए अधोगति प्राप्त करती है। अब इन्हीं कृतियों में से एक है मृत्यु होने पर परिवार के पुरुष सदस्यों का मुंडन करवाना। इस प्रक्रिया में शेयर और शहरी के सभी बाल काटे जाते हैं। अगर किसी ने अपने सिर पर शिखा अर्थात चोटी रखी हो तो उसे काटने का प्रावधान नहीं है। वास्तव में हर किसी को अपने बाल अत्यंत प्रिय होते हैं और बाल श्रृंगार अथवा सौंदर्य का प्रतीक होते हैं। परंतु जब किसी परिजन की मृत्यु होती है तो मृतक के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए वह अपने बालों का त्याग कर सिर मुंडन करवा देता है। इस क्रिया को केश दान भी कहा जाता है। इस संदर्भ में पहला तथ्य है मृतक के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। ऐसा माना जाता है कि किसी रिश्तेदार की मृत्यु होने के पश्चात मुंडन करवाने के पीछे एक बड़ा कारण होता है मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान जताना। मुंडन को मृतक के सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मृतक ने जीवन भर अपने परिजनों के लिए बहुत कुछ किया होता है, वर्षों तक उनके साथ रहता है, उन्हें प्यार करता है, उनके विकास में अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है, अपने परिजनों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन जब वह अपने परिवार के लिए इतना कुछ करने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है और अपने परिजनों को छोड़कर जाता है तो परिजन उसकी सांसारिक कृतज्ञता की एक निशान के रूप में अपने सिर का मुंडन करवाते हैं, जिससे कि मृतक की आत्मा को इस नियम के माध्यम से मिलने वाले सम्मान के कारण संतुष्टि मिलती है। जिसका दूसरा तथ्य है कि बाद का प्रभाव कम हो जाता है। जिस तरह घर में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को बाद कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद कुछ समय तक उसके परिजनों में एक प्रकार का अशौच रहता है। अशौच का अर्थ पवित्रता अर्थात अशुद्धि होता है। मुंडन करवाने से इस पवित्रता से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन तक तथा अंतक्रिया करने वालों को 12 से 13 दिनों तक अर्थात संवेदीकरण करने तक का पालन कठिनता से करना होता है। मूलतः यह गाल सवा माह अर्थात 135 से 40 दिनों तक चलता है। सवा माह तक कोई भी परिजन किसी के घर नहीं जाता है, जो कि 40 दिनों में नक्षत्र का एक गाल पूर्ण हो जाता है। सिर मुंडवाने का तीसरा तथ्य है मृतक से सभी प्रकार के भौतिक संबंध तोड़ना। मृतक की आत्मा अपनी मृत्यु को तुरंत मानने के लिए तैयार नहीं होती है। पहले तो वह शव के आसपास घूमती रहती है और फिर दाह संस्कार के बाद घर या परिजनों के आसपास घूमती रहती है। लेकिन इंद्रियों के अभाव के कारण उसका किसी से भी भौतिक संपर्क नहीं हो पाता है। ऐसा माना जाता है कि इस संपर्क को बनाने के लिए सिर के बाल सहायक हो सकते हैं। इसीलिए इस संपर्क को पूरी तरह से तोड़ने के लिए ही परिजनों द्वारा मुंडन किया जाता है। इसका चौथा तथ्य है स्वच्छता, जो कि एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। मृत्यु के बाद मृतक के शरीर में सदन शुरू हो जाती है और बहुत सारे जीवाणुओं का वह घर बन जाता है। रिश्तेदार और परिवार के लोग मृत्यु से लेकर शमशान में जलाए जाने तक उस शरीर को कई बार छूते हैं, जिससे संभव है कि रोगाणु उनके शरीर पर भी प्रवेश कर सकते हैं।
इसीलिए मृतक के अंतिम संस्कार के बाद नाखून काटना, मुंडन और स्नान जैसी प्रक्रिया साथ में ही की जाती है, जिससे शरीर को पुनः स्वच्छ बनाया जा सके, क्योंकि मुंडन करवाने से हमें कई प्रकार के संक्रमणों से मुक्ति मिल जाती है। अब क्योंकि महिलाएं शमशान में नहीं जाती हैं, इसलिए उनके मुंडन का प्रावधान नहीं है। अतः केवल पुरुष परिजनों को ही केश दान करने का प्रावधान है। तो यह थी मृतक के पुरुष परिजनों द्वारा अपने सिर के बालों को बंटवाने के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।